Shweta Kopikar and you're watching BollywoodNazar.com. Basically, it is Maharashtra in the new year. So, naya saal, naye kapde, new dreams, achhi cheeze, har cheez ki ek shuruaat. That is what it represents. लाइफ में गुड़ी पाड़वा की विशेषता यही है कि पहले तो गुड़ी पाड़वा हमारा न्यू ईयर है और दूसरा मेरे मम्मी पापा की शादी इस दिन हुई थी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। ये अपने पेरेंट्स के घर में तो बनाया होगा आपने गुड़ी पाड़वा, अपने पति के घर कैसे सेलिब्रेट किया? पति के घर में सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिला, यहाँ आके आपके साथ, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया और यहाँ से मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊँगी। तो एक्चुअली माय हस्बैंड इज़ आल्सो अ लिटिल बिजी टुडे, वो है भी नहीं घर पे, और पंजाबी फैमिली में गुड़ी पाड़वा क्या है वो उनकी किसी को पता ही नहीं होती, सो आई थिंक आई विल गो एंड सेलिब्रेट इट विद माय पेरेंट्स। ओके, आज का दिन न्यू ईयर के हिसाब से माना जाता है, तो आपकी क्या ऐसी विशेस हैं? देखिए, न्यू ईयर एक्चुअली एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एंड न्यू ईयर पे मैं यही कहूँगी कि हम सब के अरमान होते हैं, हम सब के ड्रीम्स होते हैं, काफ़ी इच्छाएं होती हैं जो शायद पूरी नहीं हुई हो पिछले साल, सो वी ऑल प्रे दैट ये जो नया साल आ रहा है, पिछले साल जो नहीं हुआ वो ये साल हो, अच्छी चीज़ें वो ये साल हो। अगर कोई बुरी चीज़ें हुई हैं, वी विश कि वो दोबारा नहीं हो। सो इट्स द बिगिनिंग ऑफ ऑल न्यू थिंग्स। मैं यही कहूँगी दैट पीपल स्टार्ट दिस डे विद ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, कि हर एक साल नहीं कि ये साल, इट शुड नॉट बी एवरी ईयरली थिंग, इट शुड बी एन एवरी डे थिंग। हर एक दिन एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इट्स नॉट जस्ट गुड़ी पाड़वा, इट हैज़ टू बी एवरी डे। मेरी मराठी फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब दो गाने बाकी हैं और हम लोगों ने अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट की है, डबिंग भी स्टार्ट की है। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, डेब्यू थी मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आई एम अ लिटिल नर्वस।